अस्सलाम वालेकुम टू सेकंड लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा मिनिंग कार्ड। आज हम देख रहे होंगे इसमें भी हम देख रहे होंगे टाइप कास्टिंग। अभी टाइप कास्टिंग क्या है, हमने किसी को भी नहीं देखा कि इसमें किसी डेटा होते हैं, इंटीजर नाम से वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वन है, फिर एक डबल नाम का हमने देखा था, फिर डबल नाम की भी एक टाइप थी जिसकी वैल्यू टू थी। अब हम चाहते हैं कि भाई मैं जो है ना डबल के अंदर अपनी इंटीजर वाली वैल्यू सेव कर सकूँ, तो वो मुझे करने नहीं देगा, उसने मुझे जाकर फौरन ही एरर दे दिया। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ए डॉट टू लगाऊंगा, तो यहां मुझे इसमें देखिए एरर दे दिया, इंटीजर को टू डबल में कन्वर्ट करने की मेरी वैल्यू यहाँ पे सेव नहीं है, क्योंकि ये वन है तो वन को डेफिनेटली इसमें कोई एडिशन कर नहीं सकते। तो प्रिंट भी करके देख लेते हैं भाई क्या प्रिंट हुआ जाएगा। तो अच्छा, कॉलर लगाना पूरा प्रिंट किया तो आंसर आ गया वन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा वैल्यू तब्दील करते हैं। अब हमने करा भाई यहाँ पर हमने वैल्यू ले लिया डबल के नाम से, ऐसी वैल्यू कर दी 1.1। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो वैल्यू है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ। अच्छा, अब क्योंकि मैं अगर अब डबल का मतलब होता है जिसमें कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू आ सकती है, इंटीजर का मतलब होता है कि उसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं आनी। अब डेसिमल वाली नहीं आनी तो यानी कि मुझे इसके अंदर प्रोग्रामिंग का सूल ये है कि कन्वर्ट जब करते तो ये सील करता, दो चीजें होती है सीलिंग और फ्लोरिंग। सीलिंग और फ्लोरिंग क्या है, सील फ्लोर, सील यानी कि जो आपकी छत होती है उसको सील कहते हैं, फ्लोर यानी कि जमीन जो प्लेसमेंट। फ्लोर का मतलब होता है कि वैल्यू को रिड्यूस करके गिरा देता है, सील का मतलब होता है कि इसकी जो अपर वाली वैल्यू यानी लेट्स से 1.2 है, अगर उसको मैं सील करूंगा तो आंसर हो जाएगा 2 और फ्लोर करूंगा तो आंसर हो जाएगा 1। कोडिंग में क्या होता है कि वैल्यूज को फ्लोर कर देता है जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करते हैं। और भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन जो है बाय डिफॉल्ट की बात करते हैं। अब लेट्स सपोज नई वैल्यू थी 1.1, अब मैं इसमें इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू को फ्लोर कर देगा, यानी कि 1.1 की जगह क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। मैं आया यहां से, मैंने इसको 2 इंटीजर किया और यहाँ पे बना गया 1.1, अब इसके अंदर नहीं आया। अच्छा, इसी तरीके से हम अपनी बात करते हैं भाई स्ट्रिंग के अंदर मैं अपना डेटा सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कॉल में आया स्ट्रिंग सी, इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट ए लिखूंगा तो मुझे वो एरर दे देगा, क्यों कहेगा कि भाई स्ट्रिंग में डबल कैसे सेव करा रहे हैं। जहाँ पे हेलमेट वन दबाऊंगा या टू स्ट्रिंग एक चीज होती है ये किया तो वो फॉरन से उसको सेव करने दे देगा, सेम जो है केस होगा इंटीजर के साथ, इस तरह आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक केस आता है, मेरे पास जो डेटा है, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रिंग वाला डेटा आपस में इंटीजर से ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे पास एक डेटा है डी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में है 1.2। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो वैल्यू ए है उसमें ये वैल्यू प्लस होता है, ए प्लस बी, ये करना चाहता हूँ मैं करूंगा तो ये एरर आ गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि स्ट्रिंग के साथ इंटीजर ये डबल ऐड नहीं हो सकते। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले किसी तरीके से इस वैल्यू को डबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कैसे करते हैं, आपने लिखना है डबल फिर दबाना है डॉट। जैसे आप डॉट दबाएंगे यहाँ एक ऑप्शन आ गया आपके पास पार्स, पार्स आपने क्लिक किया और ये कर दिया। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में से वैल्यू उठा करके आपकी वैल्यू को डबल में कन्वर्ट कर देगा और जैसे आप इसे एरर देना बंद कर दिया और ये आंसर क्या आएगा 1.1 पर 1.2 यानी कि 3.3 ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर स्ट्रिंग आप पर रखा, मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या आंसर आएगा, ये भी देख लेते हैं भाई। सेम वही इंटीजर दबा के डॉट दबाना है, पास का फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंटीजर में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की कोई अहमियत नहीं होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सील हो जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, यहाँ पे वन रह जाएगा। अभी क्या करेगा, 1.1 + 1 यानी कि 2.9 आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो इसने भाई पहले से एरर दे दिया, इसने कहा कि भाई फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रही है 1.2 कुछ है एक्सेप्शन में, तो उसने पहले कह दिया, उसने कहा कि भाई 1.2 है
मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर वो डायरेक्टली उसको सीन कर देता है, इसलिए डार्ट के अंदर कोई अच्छी चीज़ है कि जो है ये सीन नहीं करी, इसलिए फॉरन एड दे दिया कि भाई ये तो न्यूमेरिक ये नंबर है, ये तो इंटीजर फॉर्मेट है ही नहीं, डेसिमल डबल फॉर्मेट का डेटा चेक करो, और इसकी डेटा हम सही करते हैं, बंद करेंगे और चलाते हैं, चल गया फॉर डबल का 1.1 प्लस 1 हुआ तो वो 2.1 होगा। इस तरह से हम इसके अंदर टाइप कास्टिंग कर सकते हैं।